देखो अभी रुद्र मुद्रा करनी है, अंगूठा अंगूठा तर्जनी, बस हो गई रुद्र मुद्रा ऐसे। कितना सिंपल है ये रुद्र मुद्रा है। कोई भी शंकर जी के मंदिर में जाओ ना, किसी को मालूम नहीं होगा बड़ा बड़ा पंडित होके रुद्र पाठ कर रहा होगा। आप वहां जाते ही ऐसे कर देना, भगवान समझ लेंगे कि बड़ा विद्वान आ गया है मेरे सामने, इसको आशीर्वाद दे दे, ये मेरी मुद्रा कर रहा है। क्या कर रहा है? अंगूठा अंगूठी वाली उंगली तर्जनी। भैरव का नाम लेने के पहले शंकर जी का नाम सुन लेते हैं, इनका नाम, क्योंकि अष्टमी के अधिष्ठायक कौन है। रुद्र मुद्रा कर लिया। हाँ, ये मुद्रा में देखो, ये मुद्रा का विशेषता क्या है देखो, शंकर जी के पास तीन चीज है। एक तो कैलाश पर बैठे हैं तो पृथ्वी है, कैलाश पृथ्वी तत्व, कैलाश पर बैठे हैं ना तो पावरफुल पृथ्वी तत्व है शंकर जी। क्या है? क्योंकि पर्वत पृथ्वी तत्व है। नेक्स्ट तीसरा आंक जो किसी के पास नहीं है, अग्नि तत्व। तीसरे आंक से क्या निकलता है, क्योंकि ये मुद्रा क्यों कर रहे हैं आपको समझा दूं तो थोड़ा समझ पड़ जाए, समझने के बाद श्रद्धा अनंत गुना हो जाएगा। एक तो पहाड़ पर बैठे हैं तो पृथ्वी तत्व पावरफुल है, दूसरा तीसरे नेत्र से क्या निकलता है, याना अर्थ, यानी क्या अर्थ है, अग्नि तत्व पावरफुल है। तीस ये अग्नि तत्व हरेक के पास क्या, विष्णु जी का तीसरा नेत्र है, ब्रह्मा जी को है, सरस्वती को है, लक्ष्मी को है, तो किसको है, तो वह अग्नि तत्व पावरफुल है। चौथा किसी के पास नहीं है, गंगा। आप बोलो विष्णु जी के ऊपर गंगा है, ब्रह्मा जी पर गंगा है, तुम्हारे सिर पर तुम्हारी घरवाली गंगा बैठ गई वो अलग बात, वो एक गंगा बैठी हुई है, लेकिन गंगा किस पर, गंगाधर कौन है, यानी कौन सा तत्व है, हैं? हाँ, ये तत्वों की शक्तियां है। क्या है? तो इन तत्वों की शक्ति से ये मुद्रा बनती है, समझ गए ना। अग्नि पृथ्वी ये तत्वों से मुद्रा बन रही है, इसलिए इस मुद्रा का पावर बहुत है। इस मुद्रा को ऐसे करके बैठे रहोगे, शंकर की कृपा अनंत होकर के आएगी। थोड़ी देर ऐसे बैठ जाओ, घुटने पर हाथ रख लो, ऐसे रख के अब प्रणाम करके शंकर जी का नाम लेके भैरव अनुष्ठान शुरू करते हैं। आज तो हमको किसी भी हालत में कृपा पाके ही रहना है।